New Hope TV, your encounter with God. Do you need a job? क्या आपको नौकरी चाहिए? The Lord will provide that need. प्रभु उसे बिल्कुल देंगे. Seriously. ये गंभीर बात है. What's a job, man? ये क्या नौकरी? God can give you a company. परमेश्वर आपको कंपनी दे सकते हैं. You heard testimonies. What's happening in our ministry? आप देखिए कि हमारे सेवकाई में क्या-क्या हो रहा है. You think the people are just come here to just enjoy the AC or what? क्या आप सोच रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए सिर्फ AC का मजा लेने के लिए? You got better ACs at home. इससे अच्छी AC घर पर होगी. Come on. देखिए इस बात को. Saturday night, people worshiping Jesus. शनिवार रात को लोग यीशु प्रभु की आराधना कर रहे हैं. You guys love the Lord, don't you? आप प्रभु से प्यार करते हैं कि नहीं? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I decree and declare that there will be a revelation of Jesus Christ in your life in Jesus' name. मैं इस बात को कायम करके घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी यीशु प्रभु के नाम से. What will happen like that? Your need will be met. उसका परिणाम क्या होगा? आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी. Now now you 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 have perceivable needs, you have visible needs. I told you two realms. You have visible needs and you have invisible needs. मैंने आपसे पहले ही कहा कि हाँ, दो दुनिया है, दो जगत है. एक आपको दिखाई देने वाली जरूरतें हैं आपकी और एक अनदेखी जरूरत. You see, sometimes we do not know what our needs are. और कभी-कभी हमें खुद पता नहीं होता कि हमारी जरूरतें क्या हैं. We don't know what we really need. और हकीकत में हमें ही पता नहीं होता कि मुझे असल में चाहिए क्या. What do you mean? उसका मतलब we are asking something. हम कुछ मांग रहे हैं and our need is something else. और हमारी जरूरत हकीकत में कुछ और है. When the revelation of Jesus Christ comes, लेकिन जब यीशु मसीह का प्रकट होना होता है, both the needs which we know, तो जो जरूरत हम जानते हैं, and the needs which we don't know, और वो जरूरतें जो हमें पता भी नहीं, they will be met. पूरी हो जाती है. Brother, what are you talking? भाई क्या बोल रहे हैं आप? The man at the gate, beautiful. वो आदमी जो सुंदर गेट के सामने प्रवेश द्वार के सामने था, he was lame. वो लंगड़ा था. हेलो, सुन रहे हैं? He was lame from his birth. वो अपने जन्म से लंगड़ा था. Two of Jesus' generals are walking. और यीशु प्रभु के दो जनरल वहाँ पर चलकर आए. Peter and John. और पत्रस और यूहन्ना. Hey, hey. The Holy Spirit is upon them. पवित्र आत्मा उनके ऊपर थी. What's this? देखिए यहाँ पर. If I and you were there, we would say, Hey, Peter, कुछ कर यार. और हम अगर वहाँ पर होते आप और मैं तो हम कहते कि पत्रस कुछ करना. Come on, yes or no? हाँ कि नहीं? Hello. Imagine everybody knows Peter, the man who walked on water. Touch me. सोचिए सभी जन पत्रस को पहचानते, सबको मालूम है पत्रस कौन थे. वो आदमी जो पानी पे चला, थोड़ा मुझे छुए. The man who saw Jesus in his glory, please can I touch your shirt? वो आदमी पत्रस जिसने महिमा में यीशु प्रभु को देखा, क्या मैं आपके शर्ट को छू सकता हूँ? The man whose shadow is healing people in Bandra, hallelujah. वो आदमी जिसकी परछाई बांद्रा में लोगों को चंगाई कर रही, hallelujah. Hey! Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? That man is walking by. और वो आदमी चलकर जा रहा है. And this man is saying. और ये आदमी कहता है. Can I have 10 rupees? 10 रुपया मिलेगा? Now you're laughing. अभी आप हंस रहे हो. But that's how it is with us. लेकिन ऐसी हालत हमारी भी है. What we say is our need. Sometimes it's not our need. हकीकत में जब हम मुंह से बोलते हैं कि ये मेरी जरूरत है, वो हमारी जरूरत नहीं होती. Thank God. लेकिन प्रभु का धन्यवाद. When the revelation of Jesus comes. जब यीशु प्रभु का प्रकट होना होता है. Needs which we know about. वो जरूर जो हम जानते हैं, needs which you don't know about, both are met. वो जरूरतें जो हम नहीं जानते, दोनों पूरी हो जाती हैं. Somebody give Jesus some praise in this. कोई यीशु प्रभु को स्तुति दे. Lift your hands and say, Lord, I want to see you. अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ. Open my eyes to see you, O God. मेरी आँखों को खोल दीजिए प्रभु कि मैं आपको देख सकूँ. Come on, church, I want you to pray with passion. Say, Jesus, reveal yourself to me tonight. कलीसिया पूरे जोश से प्रार्थना करें, यीशु अपने आप को मुझ पर प्रकट कीजिए. It's not a man of God. His hands on you. No, no, no. You're going beyond that. You are meeting the God of the man. और यहाँ पर कोई परमेश्वर के व्यक्ति नहीं जो आकर आपके सिर पर हाथ रखेंगे. नहीं, नहीं, नहीं. आप उसके आगे जा रहे हो. परमेश्वर जो इस व्यक्ति का परमेश्वर है, वो आप पर हाथ रखेंगे. Hallelujah. कोई कहे Hallelujah. Everyone said the revelation of Jesus Christ. सभी जन कहें यीशु मसीह का प्रकट होना. You know the disciples. You think the disciples didn't have problems? आपको क्या लगता है कि शिष्य के जीवन में कोई समस्या नहीं थी? Peter had a mother-in-law. Okay. पत्रस की एक सास थी. Now I have a great mother-in-law. I call her mother in grace. Okay. और मैं उन्हें मेरी भी सास है. मैं उन्हें mother. I challenge. Nobody has a mother-in-law like me. और मैं आपको चुनौती दे सकता हूँ कि मेरे सास के जैसे किसी की सास नहीं हो. My mother-in-law is amazing. मेरी जो सास है वो एकदम अद्भुत है. Everyone is not fortunate as I am. और जितना सौभाग्यशाली मैं हूँ, हर कोई इतना नहीं होता. Peter had a mother-in-law. पत्रस की भी सास थी. Tell your neighbor. Listen. The disciples had their needs. शिष्यों की भी अपनी अपनी जरूरतें थी. The disciples had their needs. शिष्यों की अपनी जरूरतें थी. But never. लेकिन कभी भी. You see the disciples in the Bible. बाइबल में आप कई शिष्य को नहीं देखोगे. Complaining about their needs. कि वो अपनी जरूरतों के बारे में शिकायत कर रहे हैं. Why? Michael. Because Jesus was revealed in front of them. क्योंकि यीशु प्रभु उनके सामने प्रकट हुए थे. One day Peter said. एक दिन पतरस ने कहा. Lord.
प्रभु इट्स ऑलरेडी जून नाउ जून आ चुका है आई गॉट टू फाइल माई टैक्सेस मुझे अपना टैक्स भरना है Come on, सुनिए, Lord, do something. प्रभु कुछ कीजिए. And he said, Peter, पत्रस, as long as I am revealed, जब तक मैं प्रकट हुआ हूँ, in front of you, तेरे सामने, it's not your problem. ये तकलीफ तेरी नहीं है. My presence will take care of your need. Hallelujah. मेरी उपस्थिति तेरी जरूरतों को पूरा कर देगी. Hallelujah. How many of you listening right now? कितने जन सुन रहे हैं इस वक्त? The listen, सुनिए. Say it everyone after me. The revelation of Jesus Christ. सभी जन कहें, यीशु मसीह का प्रकटीकरण. Always will meet your need. हमेशा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा In fact, it will meet more than your need. It will even give you your desire. और इसका मतलब आपकी जरूरत से भी ज्यादा आपकी जो इच्छाएं हैं उसे भी पूरा करेगा उम्मीद से दुगना हालेलुया हालेलुया How many of you enjoying this? आप इसे कितने जल्दी इसका आनंद ले रहे हैं Is it going into your spirit? क्या ये चीजें आपके आत्मा में जा रही हैं? Come on, I want you to lift your hands for 2 minutes, or just for 2 times, you'd say, Lord, I really, really want to see you. Hallelujah. इस 2 मिनट में अपने हाथ को उठाएं। सभी जन अपने हाथ को उठाएं। प्रभु मैं सच सच में आपको देखना चाहता हूँ। Don't pray because I am telling you to pray. और मैं इसलिए प्रार्थना ना करूं क्योंकि मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूँ। But if somebody is hungry and passionate for Him, I pray tonight, may the Lord Himself stand before you tonight. Hallelujah. और जो कोई यहाँ पर प्रभु के लिए भूखा और प्यासा है, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से कि प्रभु स्वयं आपके सामने आके खड़े हो In Jesus' name. यीशु प्रभु के नाम से. And all God's people said. परमेश्वर के सारे लोग कहें आमेन. I close in 5 minutes. मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा. Brother Mike. Okay. ठीक है. How do I get a revelation of Jesus Christ? किस तरह से मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण पा सकता हूँ? How do I get a revelation of Jesus Christ? किस तरह से मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण पा सकता हूँ? How many understand? कितने समझ रहे हैं? Don't miss what I'm saying tonight. जो मैं आज की रात आपसे कह रहा हूँ उसको खोना नहीं. As I was seeking the Lord. जिस तरह मैं प्रभु को खोज रहा था टू डेज इन 2 दिनों में the Lord spoke to me certain things. प्रभु ने कुछ बातें मुझसे की Are you ready to listen? क्या सुनने के लिए तैयार है? See, many Christians, बहुत सारे मसीह हैं। I don't know about you, मैं आपके बारे में नहीं जानता। They're living a hand-to-mouth existence. लोग हर दिन का रोटी गुजारा करके जी रहे हैं The people come to the meeting, लोग सेवा में आते हैं so that they can meet somebody, ताकि वो वहां पर किसी से मिले 500 देना Are you there? क्या आप सुन रहे हैं? Praise the Lord, brother. Praise the Lord, भाई. Can you just help me for 1,000 next Sunday? I'll give it. क्या आज क्या आज दिन मुझे 1,000 रुपए दे सकते हो? अगर रविवार में आपको लौटा दूँ. If you don't know such people, अगर आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हो, tell your neighbor, blessed are you. तो आप अपने पड़ोसी से कहें, आप आशीषित हैं. That's what happens in churches. कलीसिया में ऐसा होता है. And there's those same people, और वो लोग वहाँ पर हैं. Are singing, और वो गा रहे हैं. Jehovah Jireh. Yehovah Jireh. People look at him crazy fellow. लोग देखते कहते हैं ये तो दीवाना है। If Jehovah Jireh is his God, then why doesn't God give him 1,000 rupees? How many of you listening right now? अगर यहोवा जीरे सच में इसका परमेश्वर है, तो इसे 1,000 रुपए क्यों नहीं देता? Look at your life. अपना जीवन देखें। You need to be a advertisement. Everyone say, I am a billboard for Jesus. आपको एक प्रसारण होना है। आपको सभी जन कहें कि मैं यीशु मसीह का प्रसारण हूँ। If you can go Khan and say you are coming for next meeting, he should look at you and say, I am coming, brother. Hallelujah. अगर आप खान के पास जाकर कहें कि आप अपनी सेवा में आ रहे हैं, वो कहना चाहिए हाँ मैं आ रहा हूँ। Renew your mind. अपना मन नया कर दीजिए। Greatest of our God. हमारा परमेश्वर महान है। Come on, everyone say, He is the King. सभी जन कहें, वो राजा है। Of kings. राजाओं का। He is the King. Yes. Yes. वो राजा है। हाँ। He is the King. वो राजा है। सारे राजाओं का वो भिखारियों का राजा नहीं है वो राजाओं का राजा है Amen. Receive this truth. इस सत्य को अपने अंदर ले लीजिए. Before the church goes up. इससे पहले कि कलीसिया उठा ली जाए. I tell you. मैं आपसे कह रहा हूँ. There is going to be divine prosperity coming to the people of God. दैविक उत्साह, दैविक उन्नति आने वाली है परमेश्वर के लोगों के बीच में. जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, आज तुम्हारा बिजनेस चलेगा नहीं, तुम्हारा बिजनेस दौड़ेगा यीशु के नाम से. Amen. ऐसे प्रार्थना मत करो, प्रभु आधी रोटी देगा तो भी तू प्रभु. ए चुप रे. आधी रोटी, अगर तू आधी रोटी खाएगा तो चर्च में क्या देगा फिर तू? इसलिए तो छुआ नहीं डालता है चर्च में, टंग करके आवाज भी आती है. खुदा से एक चीज मांगो. टुडे आस्क द लॉर्ड फॉर वन थिंग. आज परमेश्वर से एक चीज मांगिएगा. लॉर्ड, प्रभु, आई हियर दिस मैन ऑफ गॉड स्पीकिंग. मैं इस परमेश्वर के दास को कहते हुए सुन रहा हूं. आई वांट द रिवीलेशन ऑफ यू जीसस. मुझे आपका प्रकटीकरण चाहिए. बिकॉज़ आई नो, मैं जानता हूं, व्हेन क्राइस्ट इज रिवील्ड, कि जब मसीह प्रकट होता है, एवरी नीड ऑफ माइन इज मेट. मेरी सारी जरूरत पूरी हो जाएंगी. Somebody shout an amen. कोई आमेन कहे.
Now watch this. देखिए. Listen. सुनिएगा. How? किस तरह? How will there be a revelation? किस तरह से ये प्रकटीकरण हमारे सामने आएगा? I'm not talking to people who will come to me after the meeting, Brother Michael. Please pray for my son, okay? Pray for my cat, okay? Pray for my monkey is not well today, okay? और मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो प्रार्थना खत्म होने के बाद मेरे पास आकर कहेंगे, Brother Michael, मेरे हम ये प्रार्थना करें मेरे मेरे बंदर के लिए, मेरे गाड़ों के लिए, चुप तेरी तो, today. आप मुझसे प्रार्थना करने के लिए कह सकते हैं. Whom do I tell to pray? लेकिन मैं किससे कहूँ प्रार्थना करने के? कितने समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ? Grow up, man. अपने पड़ोसी से कहें बड़े हो जाओ. It's not wrong to tell, but always being dependent, like you know. किसी से कहना कि प्रार्थना करो गलत नहीं, लेकिन हमेशा उसके ऊपर लदे रहना. कितने लोग समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? लोग हमारी बैसाखी नहीं है, खुदा हमारी बैसाखी है. People are not our stretcher. Amen. God is our support. Ah, I like that, brother. Amen. Come on. Miracle. Yeah. Say this after me. How do I get a revelation? आप कहें कि किस तरह से मुझे प्रकटीकरण मिलेगा? जोर से बोले. Tell it loudly. What's this? Two things I want to share. दो चीजें मैं आपसे बताना चाहता हूँ. The first thing. पहली चीज. Come on. If you're interested, write this down. अगर आपको इच्छा है तो लिख लीजिए. You know. God does not reveal himself to just anybody. आप जानते हैं परमेश्वर अपने आप को किसी पर भी यूं ही प्रकट नहीं करता. You know the book of James says. यहां पर याकूब का किताब में लिखा है. He gives grace. कि परमेश्वर अनुग्रह देते हैं. To the humble. नम्र व्यक्ति को. Watch this. सुनिए. Now the Bible, you know, people say grace for everyone, but the Bible says his grace is revealed to the humble. God resists the proud. लोगों का कहना है कि अनुग्रह सबके लिए, लेकिन बाइबल का कहना है कि वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, लेकिन घमंडियों का सामना करता है. हालेलुया, हालेलुया. Write it on the first thing. पहली चीज लिखिए. If you want to see a revelation of the Lord Jesus Christ in your life, अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह का प्रकटीकरण देखना चाहते हैं, the first thing, पहली चीज is, वो ये है, childlike, बच्चे के समान. Write it on the, just the one word, childlike. एक शिशु समान, बच्चे के समान. What? किस तरह से? Notice, I didn't say childish, I said childlike. ध्यान दीजिए, मैंने नहीं कहा बचपने के जैसा, मैंने कहा बच्चे के समान. Everyone say childlike. सभी जन कहें बच्चे के समान. Why childlike? क्यों बच्चे के जैसे? Go with me, quick. जल्दी से मेरे साथ देखें. Go to Matthew 11:25. मत्ती 11:25. जल्दी से. When we close now, please open your Bibles. जल्दी से अपनी बाइबल खोलें. You know, have you seen children? और यहाँ पर जो बच्चे हैं, you know. They are quick to forgive. आप जानते हैं बच्चे हैं जो क्षमा करने के लिए तुरंत क्षमा कर देते हैं. You know, I don't know about you. मैं आपके बारे में नहीं जानता. But have you seen children? You know, one day my son, you know, he was in the compound, you know. और एक दिन मैंने मेरे बच्चे की बेटी की बात है, वो कंपाउंड में खेल रहा. And he picked on a fight with somebody. और उसने किसी के साथ झगड़ा कर लिया. And he hit him in the eye. और उसे आपने उसकी आंख में मार दिया. That fellow's eye became black. और उस लड़के की जो आंख थी वो काली हो गई. So the mother came. तो उसकी माँ आई. And my mother, that is, you know, my wife, so sweet wife. और मेरे बेटे की माँ की मेरी प्यारी पत्नी. और उनका आपस में झगड़ा होने लगा. Come on, holy, holy. Listen to me. सुनिएगा. And I was. और मैं वहां पर ये देखकर परेशान हूं. I told them, मैंने उनसे कहा, both of them, उन दोनों से, say, don't worry, चिंता मत करो. No, but you should take care of your children. नहीं 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 नहीं, तू को अपना बच्चा संभालना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, ये चल रहा था. You know how women are so nice. आप जानते हैं कि स्त्रियां कैसी होती, कितनी अच्छी. Women are God's best creation. Amen. स्त्रियां परमेश्वर की सबसे उत्तम सृष्टि हैं. That's the truth, brother. ये सत्य है मेरे भाई. Anyway, ठीक है. I was watching this. और मैं ये देख रहा था. After 2 minutes. 2 minute के बाद. Not even 2 minutes. 2 minute भी नहीं हुए. Both of them. दोनों बच्चे आए. They're playing in the mud. वो आपस मट्टी में खेल रहे. And guess now who's not talking. और आप देखिए कि कौन बात नहीं कर रहा है. I looked at them. मैंने उनको देखा. And I realized. और मैंने ये समझा. Really? सच में. Jesus knew what he meant. यीशु प्रभु जब बोल रहे थे उसका मतलब वो जानते थे. Childlike. बच्चे समान. Their nature is so soft. उनका स्वभाव कोमल है. They quick to obey. तुरंत से पालन करते हैं. They quick to forgive. तुरंत क्षमा करते हैं. Come on. चलिए आप. सनी कम या वो दादा वो दादा. सनी यहाँ पर आना. क्या हुआ पापा? क्या हुआ? How many of you had children who are small? Just imagine how they came to you. सोचिए कि जब आप आपके बच्चे हैं, आप बच्चे को बुलाएं किस तरह से? Your face is smiling. आपके चेहरों पर मुस्कुराहट है. आप जानते हैं जो मैं कह रहा हूं क्या है? Childlike. बच्चे समान.
What's this? Put it up. देखिए. See what it says. देखिए क्या. I want you to get this verse. सुनिए. These are the words from the master himself. ये स्वामी के मुंह से निकले. Jesus answered and said. यीशु प्रभु ने उत्तर देकर कहा. I thank you. मैं तुम्हें धन्यवाद देता. Father. पिता. Lord of heaven and earth. स्वर्ग और धरती के परमेश्वर. You have hidden these things. कि आपने इन चीजों को छुपा रखा. Notice the word hidden. और ध्यान दीजिए इस शब्द के ऊपर छुपा रखा. These things. इन चीजों को. From the wise. बुद्धिमानों से. From the prudent. और जो बुद्धिमान है. And have revealed. और आपने इसे प्रकट किया है. Them to babes. बालकों पर. That word babes, इसका जो वचन शब्द का आधार है, is children, infants, बालक, छोटे बच्चे, शिशु, revelation, प्रकट को, प्रकटीकरण को प्रकट किया है, सखा माथारा बांधाला, revelation, प्रकटीकरण, understanding, समझ को, God have mercy, say this after me, everyone say, have revealed them, सभी जन मेरे पीछे कहें, उसे प्रकट किया, to babes. बालकों पर. You read the Bible. आप बाइबल पढ़ते हैं. But you don't have a revelation. लेकिन आपको प्रकटीकरण नहीं है. But I prophesy today. लेकिन आज मैं भविष्यवाणी करता हूं. As you yield yourself to the Holy Spirit. जिस तरह से आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर देते हैं. God will pour out a torrent of revelation. परमेश्वर प्रकटीकरणों का भवंडर भेज देंगे. Hallelujah. Hallelujah. Isn't it surprising that two people can hear the same message and we can have different results? और क्या ये बात आश्चर्यजनक नहीं है कि दो लोग एक ही संदेश सुनते हैं और दोनों का जीवन में अलग अलग परिणाम होते हैं. And one person will be like, एक आदमी इस तरह से होता है. हाँ. One person is like, और दूसरा होता है. What's the difference? फर्क क्या है? One man, एक आदमी, hardened himself, अपने आप को छुपा लिया, कड़क कर दिया, एक कड़क कर. One man, एक आदमी ने. I want this, I want this, I want this. मैं नहीं, मुझे ये चाहिए, किसी भी हालत में ये चाहिए. Tonight, और आज के रात. God is going to reveal some things. परमेश्वर कोई चीज़ आप पर प्रकट करने वाले हैं. That wisdom. वो बुद्धि. That understanding. वो समझ. That word. वो शब्द. To come out of your problem. आपके समस्या में से बाहर आने का रास्ता है. For your marriage to change. आपके विवाह को बदलने का रास्ता है. Somebody say amen. कोई कहे आमेन. Hallelujah. Hallelujah. What you called an end, today God is going to say it's a new beginning. Hallelujah. जिसे आप कहते हो कि अंत हो गया, परमेश्वर आज कहते हैं नहीं, शुरुआत आज है. How is it going to happen? और ये जरूर होने वाला है. Childlike, childlike, childlike. बच्चे समान, छोटे बच्चे समान. Many pastors, many leaders. बहुत सारे पासवान, बहुत सारे आदमी. But you know, you're grown in the Lord now. आप सभी जन प्रभु में बढ़ चुके हैं. So difficult to forgive. तो इसी के लिए माफ करना बहुत कठिन है. We know how to avoid people. और हम जानते हैं कि लोगों को किस तरह से तिरस्कार किया जाए. Praise the Lord, brother. We love you by the great love of Jesus. You liar. प्रभु की स्तुति हो भाई, हम आपसे प्यार करते हैं. झूठे, बिल्कुल प्यार नहीं करते. You're not childlike. हम बच्चे समान नहीं हैं. You're trying to be father-like. आप बाप के समान बनने की कोशिश कर रहे हैं. Only one father. एक ही पिता है. Many times I've been challenged over here. बहुत बार यहाँ पर मुझे चुनौती होती है. Let's stop playing Christian games, church. कलीसिया मसीह पन का खेल खेलना बंद कर दें. Can today you come? One person wrote to me. एक लड़के, किसी ने मुझे लिखकर कहा. Say, pastor. Pastor. You're a senior pastor. आप एक मुख्य पास्टर हैं. Got a big church. आपकी बड़ी कलीसिया है. He was not dance. ये जो डांस है वो ना करें. You must stand at the back. आप डांस ना करें, आप पीछे खड़े रहें. And you must stand like that. और आप इस तरह से गंभीर खड़े रहें. Are you listening? क्या सुन रहे? Next Sunday. अगले रविवार. I wrote to him. I said, please watch me this Sunday. तो मैंने उनसे लिखकर कहा, मेहरबानी करके अगले रविवार को मेरा वीडियो जरूर देखना. Yes, और सोचिए क्या. Just on that Sunday more. मैं उस रविवार ज्यादा नाचा. Because क्योंकि in front of my father, मेरे पिता के सामने, I am just a child. मैं एक बच्चे के समान हूं. तो कितना बड़ा है, कितनी तेरी बड़ी गाड़ी है, कितना तेरा बैंक अकाउंट है. अगर वर्ड ऑफ गॉड बोलता है नाच तो मैं नाचूंगा. वर्ड ऑफ गॉड बोलता है फास्ट तो मैं फास्ट करूंगा. वर्ड ऑफ गॉड बोलता है दो तो मैं दूंगा. वर्ड ऑफ गॉड बोलेगा फॉरगिव तो मैं फॉरगिव करूंगा. हाउएवर यू मे बी बिग, यू हैव अ बिग व्हीकल, यू मे बी बिग शॉट, बट इफ गॉड्स वर्ड सेड डांस, आई विल डांस. हालेलुया. फास्ट एंड फास्ट. इफ ही सेज उपवास करो, मैं उपवास करूंगा. हम नहीं करेंगे. कितने जन समझ रहे हैं इस बात को. Touch few people as a childlike. किसी को छूकर कहें बच्चे समान. मैं close. मैं खत्म कर रहा हूँ. Go to John 7:17. यहोना 7:17. Is this good? क्या ये अच्छा है? I'll finish now. मैं खत्म कर रहा हूँ. Last one. ये आखरी. John 7:17. Put it up, please.
यूहन्ना 7:17 जीसस वाज टीचिंग हिज फॉलोअर्स और यीशु प्रभु वहां पर अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं दिस इज व्हाट ही सेज और ये वो यूं कहते हैं इफ एनीवन अगर कोई भी एनीवन से एनीवन सभी जन कहे कोई भी हे कम ऑन बोलिए कोई भी हाउ डू यू अंडरस्टैंड द ग्रीक मीनिंग ऑफ एनीवन किसी कोई यहां पर यूनानी मतलब जानता है कोई भी का इफ एनीवन यदि कोई भी विल्स इच्छा पर डिजायर्स इच्छा करता है hey, come on, say desires. सभी जन कहे इच्छा विल्स टू डू हिज विल यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे ही शैल नो तो वो ये जान ले एवरीवन से ही शैल नो तो वो या जान ले सभी जन कहे वो जान ले व्हेन शैल ही नो वो कब जान ले इफ एनीवन डिजायर्स टू डू हिज विल अगर कोई इच्छा करे उनकी इच्छा पर चलने की तब द मोमेंट आई डिजायर टू डू What God has already revealed to me, then there will be further revelation. जिसन परमेश्वर ने जो बातें मुझ पर प्रकट की है उस पर चलने की मेरे मन में चाहत आती है तब अगला प्रकटीकरण खुलता जाता है See, what the problem with today's churches, आज की कलीसिया के साथ समस्या ये है they are always looking for deep messages. कि वो लोग हमेशा गहरे संदेशों के बारे में देखते हैं हेलो सुन रहे हैं आप प्लीज नाउ दिस इज लिटिल नॉट सो गुड मे बी एंड आई प्रे गॉड विल यूज इट मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना करता हूं People are looking for new revelation. लोग देखते हैं कि कुछ नया सीखने मिले प्रकटीकरण They're like, no, आज इस संडे कुछ नया This Sunday there should be something new. Something deep. कुछ गहरा मिले Hey, last Sunday's message you didn't put it into practice. गए रविवार का संदेश आपने काम में जीवन में नहीं लाया You just wrote it in your book. सिर्फ किताब में लिख दिया And the conductor found it and got saved. और कंडक्टर ने देखा और उसे निकाल दिया That's what happened in Goa to me. गोवा में मेरे साथ यही हुआ One day, एक दिन, I was preaching in Margao. मैं मार्गाओं में प्रेच कर रहा था What's this? और देखिए One fellow with the brown coat and the white brown thing, he came and said, "Brother, I came." He says, "Okay." I said, "How did you come?" और एक भाई आया मेरे साथ अच्छा ब्राउन कलर का खाकी कलर का कोट पहन कर के मैं जानता हूँ आपको ऐसे Brother, मujhe I'll translate in English. Say, brother, mujhe basant kone book door lo lo. Somebody had kept a book in the bus. और किसी ने एक किताब बस में रख छोड़ी थी. ती दूसरा retreat का ही ले रहे. They came for your retreat. और वो आदमी जो ये भूल कर गया था किताब वो आपके retreat में आकर गए थे. ते जो सगले sermon थे ने बोरे ही ले रहे. They had written on all the sermons. और आपके जितने प्रचार थे उसके किताब में उसने लिख दिए थे. And you saw them was still on the sermons. और मैंने देखा कि ये रोज में पढ़ता था उसको. मैं रोज इस प्रचार को पढ़ता था. Hello. So I was so touched, brother. मुझे इतना स्पर्श हुआ भाई आने और मीटिंग आई लो मैं आपके सभा में आ गया hey, don't clap, hey. ताली मच बजाइए Make sure you don't lose your book. पक्का कीजिए कि आपकी किताब घूमे नहीं Are you listening? This is true thing, true ये सच्चा है सच्ची हुआ मेरे साथ मैं सोचा यार ये आदमी मेरा बुक पढ़ के आया I thought this guy just reading my book he came to the prayer जिसने लिखा उसका क्या But what about that person who wrote that book? Church, don't just be hungry for new revelation. Practice what God has already revealed to you. कलीसिया नए प्रकटीकरण के लिए भूखे होकर मत बैठिए लेकिन जो परमेश्वर ने आप पर प्रकट कर दिया है उसे काम में लाएं. God has spoken to you about forgiveness. परमेश्वर ने आपसे कहा है क्षमा करने के बारे में. Then say, Lord, I desire to do that. तो कहे प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा करूं. Come on, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Some of you are not talking to your parents. कोई आपके माँबाप से बात नहीं करते हैं. Desire to do His will. बोले मेरे बाप ने मुझे property नहीं दी. अरे property नहीं दी तो क्या हुआ रे? My father has not given me any share in the property. So what? Hello, सुन रहे हैं आप? Just desire. इच्छा करें. My wife is do. मेरी पत्नी. She's a weaker vessel. वो एक कमजोर पात्र है Sometimes we men of God also expect perfection from our wives. कभी कभी हम परमेश्वर के दास भी जीवन के द्वारा सिद्धांत चाहते कि सब कुछ सही होना चाहिए नहीं ऐसा कर ऐसा God often corrected me there. बहुत बार परमेश्वर ने मुझे सुधारा है And said, son, बेटा Don't be the manager in the house. घर में मैनेजर बनकर मत रहे Don't be the pastor in the house. घर में पास्टर बन के मत रहे She is your wife. वो तेरी पत्नी है Sometimes it's difficult. किस कोई परेशानी में है hey! Hey! Sometimes it's difficult. कभी-कभी कठिन होता है Because I like everything. Tuck, 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 you know? क्योंकि मैं चाहता हूं सब कुछ अपनी जगह पर सही 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 हो Can you look at your own people with compassion? तो क्या तुम अपने लोगों को करुणा से देख सकते हो हेलो
हेलो सुन रहे हैं आप समटाइम्स लीडर्स आर लाइक तू 5 मिनट ले रहा है नो 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 ऐसे नहीं नो नहीं Lord, I desire to do Your will. मैं आपकी इच्छा का करने के लिए चाहत रहा हूँ. Many people, you want the anointing. बहुत सारे लोगों को अभिषेक चाहिए होता है. Oh fire! Oh अग्नि आ जाए. But you don't know how to talk to your people. लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके साथ रहने वाले लोगों से बात किस तरह से की जाए.